उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी कुछ देर के लिए स्कूल की टीचर बन गई। हरदोई में स्कूल के निरीक्षण के दौरान मंत्री रजनी तिवारी ने बच्चों को बोर्ड पर सवाल समझाने शुरू किए। बच्चों ने भी खूब मन लगाकर मंत्री के साथ में पढ़ाई की। हरदोई के एक विद्यालय में जब अचानक उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री पहुंची तो अध्यापकों के साथ बच्चे भी हक्का बक्का रह गए। बच्चे नहीं समझ पाए कि आखिर कौन है ये जिनके साथ इतने लोग हैं। फिर उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी थोड़ी देर के लिए स्कूली बच्चों की शिक्षिका बन गई। बच्चों से सवाल पूछा तो बच्चों ने भी फटाफट जवाब दिया। फिर मंत्री भी चौक उठाकर बोर्ड पर बच्चों को सवाल समझाने लगी। यह देख बच्चे तो खुश थे ही, साथ ही अभिभावक भी यह नजारा देखने विद्यालय पहुंच गए। बच्चों ने मन लगाकर मंत्री के साथ पढ़ाई की। मंत्री रजनी तिवारी ने बच्चों से सवाल के साथ साथ कविताएं भी सुनी और उनकी बुद्धि को भी परखा, जिससे वह संतुष्ट भी हुई। वही अध्यापकों को बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक और जनरल नॉलेज के बारे में भी पढ़ाने को निर्देशित किया, साथ ही साफ सफाई और बेहतर वातावरण की सराहना भी की। स्कूल में आकर के पहले तो हमने स्कूल का निरीक्षण किया, उसके बाद में बच्चों से हमने वार्ता की। बच्चों से बात करके बहुत अच्छा लगा, बच्चों ने चीजों को बताया, क्योंकि छोटे बच्चे हैं वहाँ पे, तो बच्चे अच्छा कर रहे हैं। और ज्यादा अच्छा करने के लिए हमने टीचर्स से कहा कि उनको शिक्षा पर चीजें और भी बताई जाए, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, उनको जीके भी बताई जाए, प्रेरणादायक चीजें भी, कहानियां भी सुनाई जाए। दरअसल जन चौपाल कार्यक्रम में जनता से सीधा संवाद और जन समस्याओं को सुनने के बाद राज्य मंत्री जटपुरा में इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल का औचक निरीक्षण करने पहुंची। इस दौरान उन्होंने छोटे छोटे बच्चों से बातचीत कर पठन पाठन की स्थिति की जानकारी ली। फिर बच्चों को बोर्ड पर पढ़ाने से खुद को नहीं रोक पाए। उन्होंने कुछ बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर बुलाकर सवाल पूछे और कुछ बच्चों से किताबें भी पढ़ाकर उनके ज्ञान को परखा। शिक्षिका बनी मंत्री का वीडियो सामने आने के बाद लोग मंत्री की खूब सराहना कर रहे हैं। टीम न्यूज़ स्टेट।